नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूपी के औरैया जिले में कैफियत एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर रेल हादसों की नैतिक जिम्मेदारी ली। यूपी में 5 दिन में 2 रेल दुर्घटनाएं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन AK मित्तल का इस्तीफा। केंद्र सरकार ने OBC क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की। ब्रिटिश वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में 21 अलग अलग नामों से रहता है अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम। बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, DDCM मामले में अरुण जेटली की ओर से लगाया झूठा शपथ पत्र देने का आरोप। जल्द आएगा 200 रुपए का नया नोट, रिजर्व बैंक ने जारी की अधिसूचना। इस वर्ष रिकॉर्ड 914 श्रद्धालु पहुंचे मानसरोवर, चीन ने रोक दी थी नाथुला मार्ग से यात्रा। मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित जमानत पर जेल से रिहा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 3 तलाक पर नया कानून नहीं बनाएगी केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्कूल के पास अमोनिया गैस रिसने से 50 बच्चे बीमार। अमेरिका की पाकिस्तान को धमकी, आतंकवाद नहीं रोका तो बंद हो जाएगी अमेरिकी मदद। तानाशाह किम जोंग ने कहा, और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाएगा उत्तर कोरिया। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।